बाबू भैया के नाम उनकी जमीन पहली जमीन सोया। शादी के लिए घर बनने का फाइनल हो चुका है। आपकी बीबी के नाम पर करानी है कि आपकी अपनी बीबी के नाम पे करा? क्यों करा रहा? बीबी तो 50 खड़ी हो रखी है। कुछ गलती होगी मेरे माँ बाप से तो मैं माफी मांगता हूँ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। फिर से ये इंसान हमारे घर में, एंड द थिंग इज गाइस, अभी बहुत क्रेजी स्टार्ट हो रही है इस ब्लॉग की। इतने दिन बाद मेरी माँ बना रही है मेरे लिए चाय। थोड़ा सा मीठा तेज रखना मेरी माँ। भाभी तुम मीठी पीती हो ना चाय? चाय तो मम्मी ने बना दी है, बट गाइज आज जमीन का काम पूरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा। सतीश जी और एक लेती चाय। सॉरी यार मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। ये कप अलग रख दो, नया कप दे दो। मेरे को आइडिया नहीं था कि सतीश जी के जाए। तो मैं आपको बता रहा था गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जमीन के काम से। आज हमारा जमीन का काम पूरा हो जाएगा, एंड फिर वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट इनकमिंग। आजकल भव्य और मेरी कॉन्वर्सेशन सुनोगे ना आप गाइज, रात के 12 बजे, जो फुल बिजनेसमैन टाइप्स नहीं होते। अभी हमारा ना एक प्लान चल रहा है गाइज। भव्या तुमने कहाँ से MBBS करा है? सॉरी MBA MBA करना पड़ता है, पता है ना बिजनेस के लिए। MBBS बोल रही हो? अच्छा, खा रही हो, आपको कैसे करना है? बस भैया का तो ये है, मेरे पास ये है, यहाँ पे बस एक वो ला के रख दे, मशीन हो गया मेरा बिजनेस। कर रहे गाइस, एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है हमारा, उसके लिए जमीन की भी चीजें चल रही है। आजकल भव्य में वाली वीडियोस देखते रात को। 40 लाख रुपए में एक नया बिजनेस कैसे कमाए? और उसके लिए लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है? हमने सब पता कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स 3 महीने में तैयार हो जाएंगे। 1 महीने में हमारी मशीन, 8 महीने में लाइसेंस आएगा। तुम्हारे पापा से थोड़ा काम करा रहा हूँ। अपने पापा पे हंस रही है। मैं पापा के लिए इतने आपके लाइसेंस पे हंस रही हूं। सतीश जी को चाय लेकर क्या? एक तो आपने पी ली, वो है मेरी वाली। उधर हां, क्या कुछ भी झूठी औरत वही है ना, कैमरे के सामने तो कितना झूठ बोल सकते हैं। ना इतना मेरी चाहिए रखिए गाइस, ये देखो। बट गाइस थोड़ी चीजें क्रेजी चल रही है, बिकॉज़ लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है बहुत सडन पीरियड ऑफ टाइम में। फिलहाल के लिए मम्मी अभी हम लोग निकल रहे हैं, और रजिस्ट्री आपके नाम पर ही होगी। आपके नाम पर कराऊं मेरे नाम पर कराऊं? मुझे क्या पता। आपके नाम पर नहीं चाहिए जमीन? यस, अपने नाम पे करा लूंगा गाइस। चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं, शराब वेट कर रहा है। गाइस हम लोग बाहर निकल ही रहते हैं, और ये चेक करो कौन है। सही भव्य आई पीछे बहुत टाइम बाद आए, अंकल भी बहुत टाइम बाद आए। भव्या को देख करके कैसा लग रहा है आज? देखो ना, आज नवरात्र है ना, तो नवरात्र के दूसरे दिन आज जो है वो जो भी देवी होती है ना, तभी आपने मेरे पैर छुए आज। हां ठीक है, समझ गए, तभी तो पैसा ही पैसा है। अलका स्वीट शॉप की इन्होंने वो खोल दी दूसरी मर्चेंडाइज। बीकानेर से ज्यादा बड़ा ब्रांड है पापा, और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है पता आपको? 70% 80% मिलावट करके ना, मिलावट ये प्यार के करते हैं ना। गाइस मिलावट प्यार की होती है, बट अच्छा ब्रांड है अलका स्वीट शॉप। हमारे घर में भी बहुत सारी मिठाई आती है। आजकल नहीं आई, साल में आजकल नहीं आई गाइस। हो देखो भाई, हाँ गाजर का हलवा का है पापा, ये गाजर का हलवा भी बनता ही, जब बनता था उस सीजन में भी नहीं आया उस सीजन। और तेरी मम्मी बाई गुड बोल रही थी कि साल में भव्य नाराज हो रहे थे, भव्य साल में लाई गाजर का। अरे नहीं, कुछ गलती होगी मेरे माँ बाप से तो मैं माफी मांगता हूँ। गाइस रेडी हो चुके हैं पापा, आज बहुत दिनों बाद ना, ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, उधर से भी, ये फोटो को DP पे लगाना, क्या होगा? जो होगा DP पे लगाना। ओके गाइस, जोक्स अपार्ट, अभी हम लोग जा रहे हैं जमीन की रजिस्ट्री के लिए। पापा जा रहे हैं हम लोग जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए। आपकी बीवी के नाम पर करानी है कि आपकी अपनी बीवी के नाम पे करा? बीवी पे क्यों करा रहा हमारे पे? लेकिन बीवी तो पूछो, बीवी तो 50 खड़ी हो रखी होगी। निकल चुके हम लोग घर से, एंड द थिंग इज रोड रिएक्शन चेक करो। आंटी देखो, आंटी भी वीडियो बना रही है, वो चेक करो भाई।
लेकिन लैम्बो का रोड रिएक्शन और ओजी ब्रो, ओजी रहते हैं लैम्बो का रोड रिएक्शन। हम लोग पहुंच चुके थे लोकेशन पे एंड एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन। सो हेमलो जी गाइस हो चुके हैं बाबू भैया के नाम उनकी जमीन, पहली जमीन, दादा का, पापा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। आधी मेरे नाम, आधी मेरे भाई के नाम। गाड़ी में क्या बैठा लिया तो सर पे चढ़ने लग गए लोगों को, बोलते ना उंगली देते लोग हाथ पकड़ लेते हैं उनमें से, एग्जांपल खड़ा एग्जांपल। और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं हर्ष के घर, हमारे बिछड़े हुए भाई के, सब पता नहीं कहाँ कहाँ। अभी तो दुष्यंत पता नहीं कहाँ है गाइस, उसके तो कॉलेज के दुष्यंत के एग्जाम नहीं खत्म हो रहे कॉलेज के। मैं कहा भाई कब तक पढ़ाई करोगे, बेचारा भी ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहा है गाइस, ट्वेल्थ में दो तीन बारी क्या ही बताऊं, बहुत सब पढ़ने ही तो बेहतर गाइस। एक्चुअली ट्वेल्थ में ना दो तीन बारी समझ सकते हैं, जिन्हें पता है उन्हें पता है। अभी ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहे हैं, अभी ये अप्रैल में उसके बोर्ड्स होंगे, जैसे उसके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे फिर फ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद वो राइड पर चलेगा हमारे साथ। फिलहाल अभी हर्ष के घर जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा भाई, मेरे को चेक करने जाना पड़ता है अपने दोस्तों को कि वो जिंदा है। मुझे चेक करने तो नहीं आया, मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ। तुम दोस्त नहीं हो ना भव्या, तुम बहन हो। भी चेक करने आना पड़ता है कि जो जिंदा है नहीं है, कितने बेकार भाई हो। भाई कहाँ हो, जिंदा हो आप? जिंदगी में गाइस घर, मुझे ऐसे लगता है मुझे ना अब ये अपने बच्चों को अपने पास रखना पड़ेगा, एक इसको और एक उसको। भाई कहाँ है तू, क्या हुआ, कहाँ है तू, है कहाँ? देहरादून गए थे यार। फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन अब बैग में था, अब निकाल के देखा तेरा फोन। चार कॉल करी गाइस, चार कॉल रास्ते में, सोचा हर्ष खो तो नहीं गया, सारे धीरे धीरे करके गाइस। बता देता मैं, उधर से तो आया था, जेटू को भी छोड़ा मैंने, ब्लॉग में बोल लो तुम्हें ना। और चार मेरे पिताजी पहले ही बोल रहे इधर ही 50-50 शादी होंगी। आंटी घर पहुंचते गाइस, नींबू पानी आंटी ने बना दिया, थैंक यू सो मच आंटी। ओके गाइस, हर्ष को घर से पिक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर। पापा इमरान हाशमी से लग रहे हैं, बताओ। अभी मैं दूल्हे किस करके दिखा पापा, देखो इमरान हाशमी से लग रहा है। अंदर जी को पता है इमरान हाशमी कौन है? गाना सुनाओ। हाँ सुनो पापा, सुनो गाना। हमको सब पता है, गाना बताओ ना। कैसे कैसों को दिया है, अदनान स्वामी का गाना है। पापा ने अदनान जी को इमरान हाशमी से, पापा हाँ ये गलत आई ना, पता है अंकल जी को, देख अंकल जी बोल बता नहीं रहे हैं कि कौन है इमरान। संगीत की कोई लिमिट नहीं होती, संगीत सबका एक है पापा। वो संगीत नहीं है, वो अलग टाइप की पिक्चरें बनाते हैं इमरान हाशमी। भीगे ओठ तेरे प्यासा दिल मेरा, इससे अच्छा तो मैं गा दूं। वही गाना था ना, हम बोल नहीं पा रहे थे बस। मैंने भीगे ओठ तेरे प्यासा दिल मेरा, अब सही है अब ले भाई सिस्टम है, खतरा गाइस। अपने पापों का ऐसे मत समझो तुम, चलो अब कहाँ की तैयारी हो रही है। Congratulations mummy, we did it। यही हो ना। And guys, अभी हम लोग ना घर पहुंचे थे, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को ऐसे प्री प्रमोशन कर रहा हूँ बट गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें ना आदिवासी हेयर ऑयल का एक स्पॉन्सर आया अभी, एंड हमें ना उसके लिए गाइस जाना पड़ेगा जंगलों में। बट आप देखो, मेरे बाल है, भव्या के बाल है, हर्ष के बाल है, मेरे पापा के भी बाल है, मेरे पापा ने भी बाल है। तुम्हारे पापा को तो बोला ही नहीं था भव्या, इसके पापा को तो बोला ही नहीं था, इसके पापा को तो बोला ही नहीं था। आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोशन होगा गाइस भव्या के पापा के साथ। चलो ठीक है पापा, इतने बाल है आप क्या देखो यहाँ पे। हाँ पापा यहाँ देखो, उनके अनुसार तो जो मैंने देखा ना वो यहाँ तक हो जाते हैं एक महीने में तो देखेंगे कितना होता है, बट आपके यहाँ पर ट्राई करेंगे पापा। सही है, नहीं वो एज तो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं नहीं है पापा, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास। मेरे पापा टकले नहीं है, मेरे पापा है। क्या बोल रही हो अपने पापा के? अंकल देख लो, अंकल खुद देख, आप देखो मैं आप व्लॉग कर रहा हूँ, क्या मैंने कुछ बोला? टकले हैं भी तो क्या हुआ, पैसे वाले तो हैं। हाँ पापा पैसा पैसा ही पैसा है, डॉलर ही डॉलर है। बट प्री प्रमोशन हो गया गाइस। प्री प्रमोशन क्यों कर रहे हो, पागल हो गए? पोस्ट प्रमोशन करना है क्या? क्यों करना है प्रमोशन, काल तो फ्री में, अभी तो पैसे भी नहीं आए। आ गए, आ गए पैसे, आ गए तभी तो डाल रहा हूँ। सो हेलो जी, रात के बजे ऑलमोस्ट 12 एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, एंड द थिंग इज आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गया। बेसिकली द थिंग इज गाइस, रजिस्ट्री फुल कंप्लीट हो चुकी है एंड वी हैव अ न्यू प्लेस फॉर बिल्डिंग आवर होम फाइनली। अब अपने नए घर की शुरुआत,
सोच रही हो भव्य? टाइटल तो पहले ही बता दिया आपने। यू नो गाइस, कुछ टाइम में बाबू भैया शादी करने वाले हैं, तो शादी के लिए नया घर चाहिए। क्या कब? मैं बता के नहीं करूंगा भव्य, समझ रही हो? जब भी करूंगा गाइस, मैं तो डिसाइड कर रखा है अपनी शादी करनी है कोर्ट मैरिज, ना ज्यादा खर्चा, ना ज्यादा लोगों को बुलाऊंगा, ना ज्यादा कुछ। पैसे की कमी है ना आपके भाई, पास बहुत। मैं तो केवल लिमिटेड लोगों को बुलाने का ही। सोचो ना, 50 लाख तुम शादी में इन्वेस्ट करोगे, उतने का ही घर बना लो, उतने का हमारा घर बनेगा गाइस। जितना पैसा वहां जाएगा उतना हम लोग एक घर बना लेंगे। एंड गाइस, घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं भव्य बिल्डर को दूंगा। भव्य कब से बिल्डर नहीं हूं। तुम मजदूर तो ही, तुम बताओ अभी। सो यार, शादी के लिए घर बनने का फाइनल हो चुका है, एंड आई थिंक इस कुछ टाइम में वी विल बी मेकिंग आवर होम सून। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।